नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर में समृद्धि लाने के लिए, धन लाने के लिए और अपने घर में प्यार और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी माना जाता है कि यदि आप फेंग शुई के उपाय जानते हैं या फिर आप अपने घर में उन उपायों को करो जो वास्तु दोष के हिसाब से किया जाता है, यदि आप उन उपायों को घर में यूज करते हैं या फिर उन उपाय के आधार पर अपने घर में उस चीजों को डेकोरेट करते हैं तो वह आपके घर में और आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें यदि आप करते हैं तो वह आपके जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जिंदगी में प्यार और समृद्धि हर किसी को चाहिए, धन भी हर किसी को चाहिए, क्योंकि उस चीज के लिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉयबल जीने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। और उन चीज़ों के लिए आपके घर का वास्तु दोष और फेंग शुई के हिसाब से देखा जाए तो आप इन चीज़ों को रखने से आपके घर में समृद्धि आती है। आपने देखा है कि फेंग शुई के सिक्के, कछुआ और लाल रिबन में अगर आप सिक्कों को बांध कर दरवाजे पर लटका देते हैं तो उससे भी आपके घर में धन लक्ष्मी आती है। तो इसलिए माना जाता है कि आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि ऐसे उपाय करने से आपके घर में वास्तु दोष ठीक हो जाता है और आपके घर में समृद्धि आती है। और अगर आपके जीवन में या अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी भी खटास मिठास होती रहती है उसको भी दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में प्यार ही प्यार होगा। तो जानते हैं ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से आपके जीवन में समृद्धि और प्यार बढ़ेगा। नंबर एक, फेंग शुई के हिसाब से चले या अनुसार चलते हैं तो हम लोगों ने ये देखा है या पढ़ा भी है कि अगर आप अपने घर में ड्राइंग रूम में टीवी लगाते हैं तो आपके घर के सबसे मुखिया या फिर उनसे रिलेटेड जो आपके घर में सबसे बड़े होंगे वह उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हमेशा वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं या उनके स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से वह कभी ठीक नहीं हो पाते। तो ये वास्तु दोष के हिसाब से ही होता है, क्योंकि यदि आप ड्राइंग रूम में टीवी लगाते हैं तो वह आपके जीवन पर गलत असर डालता है जिससे आपके स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने ड्राइंग रूम में कभी भी टीवी ना लगाएं। नंबर दो, हमने अक्सर देखा है कि हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनयूजल होती हैं, यानी कि उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी उन चीज़ों को आप अपने घर में सजो के रखते हैं। कुछ चीज़ें यादों के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी वह चीज़ें आपके जीवन पर बहुत गलत असर डालती हैं और आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े और कथा भी हो जाती है। यदि वैवाहिक जोड़ा जहाँ रहता है तो उसके पलंग के नीचे कभी भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि अनयूजल चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, आप यदि ड्राइंग रूम में 6 छड़ वाली फेंग शुई की घंटी लगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर में सजाने के लिए एक विंड लगा देते हैं जो हमेशा हवा से बजती है और उसकी धुन आपके घर में फैल जाती है। यदि आप ड्राइंग रूम में प्रवेश करने के द्वार पर अगर ऐसी चीज़ें लगाते हैं और ख़ास ख्याल रखें कि उसमें जो विंड चाइम है उसमें 6 पाइप होने चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए लकी माने जाते हैं। और 6 पाइप वाली अगर आप विंड चाइम लगाते हैं तो आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा प्यार रहेगा, खुशियाँ रहेंगी और आपके बीच कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा। आप ड्राइंग रूम के कमरे के सामने विंड चाइम लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में जो भी आएगा उसका भी पॉजिटिव विचार बनेगा जिसकी वजह से वह खुश हो जाएगा और आपके घर में खुल मिल जाएगा। तो आप विंड चाइम जरूर लगाएं। नंबर चार, यदि वैवाहिक जोड़े का कमरे में अगर आप लव वर्ड्स रखते हैं तो वह भी बहुत अच्छे और शुभ माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो उसके पक्षियों के आकृति जरूर लगाएं, क्योंकि यह आपके जीवन में मधुरता भरते हैं और आपके जीवन में खुशियां भरते हैं। और अपने कमरे के सामने लाफिंग बुद्धा जरूर रखें। नंबर पाँच, आप अपने घर में गोलाकार आकृति की एक टेबल रखें, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार माना जाता है कि यदि आप अपने घर में खुशियां चाहते हैं और कोई भी झगड़ा ना हो तो उसके लिए आप अपने घर में एक गोलाकार टेबल जरूर रखें। लेकिन उसके साथ एक खास बात ध्यान रखें कि आप उसके साथ संख्या कुर्सियों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि वो जो गोल आकृति की टेबल है वह आपके घर में वह परिवार के बीचों में मधुरता लेकर आती है और आपके परिवार को एक साथ बांध कर रखती है। तो इसलिए आप गोलाकार आकृति की टेबल जरूर रखें। तो ये है वह चीज़ें, यदि आप फेंग शुई के अनुसार रखते हैं और उसी दिशा में रखते हैं तो आप कोई भी कमी नहीं रहेगी, समृद्धि आएगी, धन आएगा और आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।